है, तो इस तरीके से हम एक-एक करके इसको भी गूंथेंगे, इसमें एक-एक करके इस तरीके से गूंथे जाएंगे। ये देखिए, हम इस तरीके से इसको आग पे रखने लगे हैं, सारा इसी तरह रख लेंगे। तो ये आज हम बनाएंगे 5 किलो गोश्त है, इसकी का सीख बनाएंगे, जिसको इंगिश्री बोलते हैं। ये नई डिश है, तो इसको सबसे पहले हम स्क्वायर में इस तरीके से बोटी हम काट लेंगे, छोटी छोटी काट लेंगे इस तरीके से। आप भी काट लें इस तरीके से, और थोड़ा सा फैट भी आप ले सकते हैं या सिर्फ कीमा ले सकते हैं, आप जो भी चाहें ले सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने लहसुन अदरक ले लिया है, लहसुन हमने 5 से 6 फूल ले लिए हैं, उसको पीस लिए हैं। और अदरक जो है इसमें जाएगा कम से कम 20 ग्राम, 20 से 25 ग्राम जाएगा। इसको अच्छी तरीके से बारीक पीस लें, इसमें इसको इसमें सारा डाल दें। इसके बाद इसमें जाएगा ये पिसा हुआ कच्चे पपीते का पेस्ट जाएगा, आप कच्चा पपीता ले लें, इजीली मार्केट से मिल जाता है। इसमें ये जाएगा 4 से 5 चम्मच, 2, 3, 4, करीब ये 4 से 5 चम्मच हो गया है। अब इसी में हम डालेंगे भर के 1 चम्मच हल्दी जाएगी, 1 से 1.5 चम्मच हल्दी जाएगी इसमें। और इसी में हम फिर डाल देंगे ऑयल जाएगा इसमें, करीब 20 से 25 ग्राम ऑयल डाल देंगे। अभी फ़िलहाल हम इतना ही ऑयल डाल रहे हैं, फिर बाद में और डालेंगे। उसके बाद ये सारा इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद फिर इसी में नमक डालेंगे, आप अपना नमक स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। तो करीब हमने 2 चम्मच इसमें नमक डाल रहे हैं, फिर बाद में ऊपर नीचे जो होगा तो फिर और डालेंगे या करेंगे इसको। अभी हम कम ही नमक डाल रहे हैं, उसके बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। इसको करीब हम इसको रखेंगे अब 2 घंटे के लिए, इसको रख देंगे 2 घंटे को रूम टेम्परेचर पे, इस पे रख देंगे। इसके बाद इसमें और मसाला मिलाएंगे। तो ये देखिए, हमने इसको मिक्स करके मसाले रख दिए थे। इसमें हमने फर्स्ट टाइम में आपको दिखाया था हल्दी और लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक और ऑयल, और इसमें जो है पिसा हुआ पपीता हमने डाल के और 2 से 3 घंटे के लिए मिक्स करके इसको रख दिया है। तो ये देखिए, मैरिनेशन बहुत अच्छी हो गई है, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। अब सेकेंड स्टेप में हम इसमें डालेंगे कुटा हुआ मिर्चा, हरा मिर्चा है, हमने 150 ग्राम करीब ले लिया है इसको। इसको हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के पीसी हुई जीरा और मिर्च का डाल देंगे, और 1 ही चम्मच जो है पिसा हुआ लौंग और इलायची का डाल देंगे, इसमें डाल देंगे। और इसमें इसके बाद जाएगा गरम मसाला, करीब इसमें 4 टेबल स्पून जाएगा। तो ये 4 टेबल स्पून हम इसमें डाल रहे हैं। तो ये देखिए, 2, 3 और ये 4। इसके बाद इसको अच्छी तरीके से फिर हम एक मरतबा मिक्स कर लेंगे। ये बहुत टेस्टी होता है खाने में, आप एक मरतबा इस तरीके से बनाएं बारबेक्यू, बहुत टेस्टी होगा, आप खा के कहेंगे कि क्या ही बना है। तो इसको इस तरीके से बहुत आसानी से मिक्स कर लेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं फिर। तो इसको हमने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, फिर हम इसमें दोबारा डालेंगे सॉसेस जाएंगी। तो इसमें टोमेटो सॉस जाएंगी करीब 3 चम्मच, 3 चम्मच टोमेटो सॉस जाएगी। उसके बाद हम इसमें चिल्ली सॉस डालेंगे 2 चम्मच। तो ये देखिए, 2 चम्मच चिल्ली सॉस जाएगी और 1 चम्मच सोया सॉस जाएगी और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी। अब ये सब मसालों को फिर हम दोबारा से मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, अब सेकेंड स्टेप की तरफ चल रहे हैं।
अब आटा के लिए हम तैयार करने जा रहे हैं। जो आटा की अंगीठी लगेगी तो उसके लिए हमने एक प्याला चीनी ले लिया है, करीब ये 100 ग्राम बनती है। और इसी में हम करीब पौना टीस्पून मंगरेला डाल लेंगे और नमक इसमें डालेंगे, क्योंकि हमने गोश्त में भी डाला है तो इसमें थोड़ा कमी डालेंगे। तो 1 चम्मच हम इसमें नमक डाल लेंगे, 1 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा आप कर लेंगे इसमें नमक। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट जाएगा इसमें गुड्डे जी बिस्किट, तो इसकी बड़ी वाली पैकेट है 3 लाइन वाली, तो हम 1 लाइन इसमें पूरी डाल देंगे। तो ये देखिए हमारी 1 लाइन है, तो इसको हम पूरी डाल देंगे इसमें। और इसको अच्छी तरीके से पानी में फुला के 10 मिनट के लिए तकरीबन छोड़ देंगे, ताकि हमारी चीनी गल जाए। तो ये देखिए हमने इसको फुला दिया है, सारा डिप हो जाए बिस्किट, और करीब 10 मिनट के लिए हम इसको इसी तरीके से छोड़ देंगे। और उसके बाद हम फिर इसको आटे में डालेंगे, ताकि हमारी चीनी अच्छी तरह गल जाए। तो उसके बाद थोड़ी देर के बाद इसको हम इस तरीके से चला लेंगे। तो ये देखिए हमने आटा ले लिया है, ये आटा हमारा 1.5 किलो के करीब है, तो इसमें हम बनाएंगे अंगीठी। तो उसके लिए हमने सबसे पहले इसमें ले लिया है सोडा, ले लिया है सोडा हम इसमें डालेंगे, तो करीब 1 टेबल स्पून है। उसके बाद इसी में हम और साथ ही में हम इसमें डालडा डाल देंगे, करीब 100 ग्राम हम इसमें डालडा डालेंगे और इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए हमने जो घोल बना के रखा था, अब इसको इसमें डाल देंगे। डालडा को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, अब ये घोल हम इसमें डाल दिए हैं पूरा, इसको अच्छी तरीके से हम इसमें मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हम सारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, बहुत लजीज तैयार होगी। तो हम इसको इस तरीके तो इसको धीरे धीरे आप मिक्स करते रहें और थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें, ज़्यादा एक मर तो नहीं डालना है, क्योंकि ये आटा जो है बहुत कड़ा सानना है। तो इस वजह से, क्योंकि आटा कड़ा नहीं होगा तो हमारी जो अंगीठी है वो अच्छी तरीके से फूलेगी नहीं। तो इसको आटा बहुत अच्छी तरीके से कड़ा सानना है। तो ये देखिए धीरे धीरे इसमें पानी डालते रहना है, एक बैग ज़्यादा पानी नहीं डालना है, इस वजह से नहीं डालना है ताकि आटा गीला ना हो। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें और आटे को सानते रहें। तो हम इसको सान के फिर मिलते हैं, इसको इस तरीके से आप सानते रहें। तो ये देखिए अब ये हमारा फाइनल हो गया आटा, ये इस तरीके से इतना कड़ा हमने साना है कि जहाँ से निकालो वहीं से निकल जाता है। ये इस तरीके से निकलना चाहिए, बहुत कड़ा होना चाहिए, ताकि हमारी अंगीठी जो है बन के बहुत अच्छी तैयार होगी, बहुत फूली फूली और नरम तैयार होगी। जब आटा कड़ा होगा तो अंगीठी नरम होगी। तो ये देखिए हमने जो आटा साना था उसको इस तरीके से लोई हमने बड़ी बड़ी बना ली है, इस तरीके से 4 लोई तैयार हुई है बन के। और इस तरीके से हमने 4 ये तीली रख ली है, ये लोहे की तीली आती है इधर, और लकड़ी का ये बेट लगा होता है, ये बारबेक्यू के लिए बहुत ही मस्त होती है। तो ये 4 हो गई है, अब इसको हम इस पे लपेटेंगे, तो एक एक करके हम इस पे लपेट लेंगे। तो इसको सबसे पहले करना ये है कि इसको लोई को लंबी करना है, इसको इस तरीके से हम लंबी कर लेंगे और इसको इस तरीके से हम फैला के हाथ की मदद से इसको लंबी कर लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से ये लंबा कर लिया है, करीब 1 फुट ये लंबा हुआ है। अब इसको ये तीली लेंगे, तीली में हम इसको लपेट जाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर से इस तरीके से थोड़ा तिरछे में रखेंगे और इसको इस तरीके से घुमाते जाएंगे। तो इसको इस तरीके से हम घुमा लेंगे सारा, और ये इस तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे लाके इसको इस तरीके से चिपका देंगे, ताकि ये छूटे ना, ऊपर में इस तरीके से चिपका लेंगे। उसके बाद थोड़ा सा इस तरीके से इसको मोड़ देंगे। ये देखिए हमने ये सारा बना के तैयार कर लिया है, अब इसको अंगीठी पे भूनेंगे। कोयला हमारा तैयार हो चुका है, तो इसको अंगीठी पे सेकेंगे। तो आइए हम देखते हैं। तो ये देखिए हमारा कोयला अब तैयार है,
अब जो हमने अंगीठी बनाई थी सारी एक एक करके हम इसको रखते जाएंगे इस तरीके से, और इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के सेकते रहेंगे। बहुत शानदार तैयार होती है डिश। आपने इस तरह की डिश कभी नहीं खाई होगी, आप एक मर तो इस तरीके से तैयार करके देखिए, बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये देखिए अब हाफ डन के करीब ये पहुंचने वाला है। ये आपको थोड़ा थोड़ा आपको दिखता होगा, ये देखिए ये देखिए ये तैयार हो रहा है धीरे धीरे, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये देखिए ये भी बहुत अच्छा थोड़ा थोड़ा ब्राउन होने लगा है। अब इसी तरीके से हल्का हल्का 5 मिनट और सेकेंगे तो ये तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम सेक के फिर मिलते हैं। तो ये देखिए जब तक हमारी अंगीठी तैयार हो रही है तो दूसरी तैयारी कर लेते हैं। जो ये हमने गोश्त की बोटी को मैरिनेट करके रखा था 5 से 6 घंटे के लिए, अब इसको भी इस तीली में हम ये देखिए ये तीली वही वाली तीली ले लिए जिसमें हमने वो आटा गूंदा है। तो इस तरीके से हम एक एक करके इसको भी गूँलेंगे, इसमें एक एक करके इस तरीके से गूँते जाएंगे और सारा इसमें गूलेंगे जितने भी। हमने तो ये देखिए हमने इसको गो के तैयार कर लिया है। इसी तरीके से हम सारा इसको गो लेंगे, उसके बाद फिर हम आपको मिलते हैं। अंगीठी तैयार हो रही है हमारी, ये देखिए अंगीठी तैयार हो रही है, आप डन हो गई है। 5 मिनट और लगेंगे, तब तक ये हम सारा गो लें, इसके बाद इसको हम रखेंगे। तो ये देखिए अब हमारी अंगीठी तैयार हो चुकी है, अब हम इसको गमले में निकाल लेंगे। तैयार हो गई, अब इसको हम रखेंगे, फिर अब इसके बाद हम गोश्त को भून लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सारा गू के इस तरीके से तैयार कर लिया है। 10 तीली थी, दसों के दसों में हमने गू के तैयार कर लिया है। अब इसको हम आग पे रखेंगे। तो ये देखिए हम इस तरीके से इसको आग पे रखने लगे हैं, सारा इसी तरह रख लेंगे। तो इसको हम दूसरी साइड में इस तरीके से घुमाते रहेंगे। ये देखिए हम घुमा रहे हैं इसको इस तरीके से, आप इसको घुमाते रहें बार बार ताकि चारों तरफ से हमारा बराबर पकता रहे। तो इसको इस तरीके से हम घुमाते रहेंगे। तो ये देखिए हमारा पूरा फुल डन हो चुका है, अब हम इसको निकालेंगे। तो जो हमने पहले अंगीठी बनाई थी उसी में निकालेंगे। तो अंगीठी को हमने इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लिया है, अब इसी में हम जो बनाए थे उसको इस तरीके से चाकू की मदद से हाफ काट के इस तरीके से निकाल लेंगे। तो सारा हम इसी तरीके से निकालते रहेंगे क्योंकि हमारी सारी अंगीठी तैयार हो चुकी है। तो ये देखिए इस तरीके से हम इसको काट के निकाल लेंगे। तो ये देखिए हमने रोटी भी बना लिया है और गोश्त को भी भून लिया है, दोनों हमारे तैयार हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत, कितने ही लजीज और जूसी बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने ही जूसी और एकदम जो है सॉफ्ट है, गोश्त एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है इस तरीके से। ये देखिए एकदम सॉफ्ट है, कोई सा भी तोड़िए फ़ौरन टूट जाएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है। अब इसको खाना इस तरीके से है कि हम इसको इस तरीके से मिला देंगे, रोटी को और गोश्त को दोनों को हम मिला देंगे इस तरीके से। और ये देखिए दोनों को हमने मिला दिया है, दोनों को इस तरीके से अच्छी तरीके से मिला देंगे। तो ये देखिए हमने इसको मिला दिया है, इस तरीके से उठाएंगे और
इस तरीके से गोला बना के हम एक एक खाते रहेंगे। बहुत लजीज है, खाने में बहुत टेस्टी है, एक मर तो ट्राई कीजिए और आप ज़िंदगी भर याद करेंगे। तो ये देखिए,